नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनटेक। दोस्तों आज मैं आपको माइक्रोटेक इन्वर्टर और बैटरी का इंस्टॉलेशन करना सिखाऊंगा। जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इन्वर्टर दिख रहा है माइक्रोटेक का, और ये बैटरी ओकाया का है जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी होती है ओकाया की, और ये इन्वर्टर भी माइक्रोटेक का है, काफ़ी अच्छा इन्वर्टर होता है। इसका मैं अभी अनबॉक्सिंग करूंगा और दोस्तों इसको मैं वहां पे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये देखिए यहां पे ये इन्वर्टर के लिए ही मैं बोर्ड लगाया हूँ, स्पेशली इन्वर्टर का है ये, और इसमें मैं आउटपुट में MCB दिया हूँ। ये देखिए मिनी MCB, जब कहीं पे इन्वर्टर वाले में शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो चलिए मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ ये इन्वर्टर का, उसके बाद इसका कनेक्शन कैसे करना है ये दिखाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों ये इन्वर्टर है इसका, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये कार्ड दिया हुआ है, कनेक्शन डायग्राम है इसका। ये जो लेवल मीटर है दोस्तों, वाटर लेवल जब डाउन होता है तो ये इंडिकेट करता है इन्वर्टर में। इसको भी मैं अभी लगाऊंगा, बाकी ये थर्माकोल दिया रहता है सेफ्टी के लिए। ये इसका यूजर मैनुअल है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है पूरे इन्वर्टर के बारे में सब कुछ दिया रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्यूज दिया हुआ है, ये इन्वर्टर का है, इसमें लगेगा। तो अभी इसको इस साइड में रखता हूँ, मैं बैटरी को दिखाता हूँ। ये इसका बैटरी है 180 AH का है ये। देखिए दोस्तों ये इसका बैटरी है, और उसके बाद दोस्तों ये थर्माकोल बॉक्स में ये इसका लेवल इंडिकेटर दिया हुआ है, ये दर्शाता है इसमें कि पानी कितना है। पानी अगर लो होगा तो यहाँ पे ये रेड लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहुँच जाएगा ये, और पानी भरा हुआ रहेगा तो ये इंडिकेटर यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये ग्रीन लेवल पे होना चाहिए। और जैसे ही आधा हो जाता है तो पानी डालने का टाइम आ जाता है, उसमें पानी डाल देना चाहिए। तो इसको भी मैं अभी लेबल वाला लगाऊंगा, वो कवर निकाल दूंगा इसका, उसके बाद इसको लगाऊंगा। उसके बाद ये बैटरी का वारंटी कार्ड है, और इस बैटरी का जो वारंटी है दोस्तों वो 4 साल का है, यानी कि 48 मंथ का। इसको इस बॉक्स से निकाल लेना है बाहर इंस्टॉल करते टाइम। उसके बाद ये जो प्लास्टिक का ये कवर दिखाई दे रहा है इसको भी निकालना है। देखिए अभी बैटरी पूरा अलग हो चुका है बॉक्स से, इसको एकदम खुले में रखना है दोस्तों, क्योंकि हीट होता है तो ये बॉक्स के अंदर नहीं होना चाहिए। तो अब इस कवर को मैं खोलूंगा, उसके बाद ये लेवल इंडिकेटर लगाऊंगा। तो लगाने से पहले मेरे पास ट्रॉली है, ये बैटरी और इन्वर्टर रखने वाला। ये देखिए ये ट्रॉली है दोस्तों, ये आपको 300 रुपये में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो बैटरी को मैं नीचे डालूंगा और इन्वर्टर को मैं यहाँ पे रखूंगा। तो अब देखिए दोस्तों, मैं स्टैंड के ऊपर ये बैटरी भी रख दिया हूँ, और ये इन्वर्टर भी रख दिया हूँ, और इसमें मैं लेबल इंडिकेटर लगा दिया हूँ, और साथ ही दोस्तों मैं ये जो लेबल बताता है यहाँ पे इन्वर्टर में, इसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ एक टर्मिनल में। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी लेवल सिग्नल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी लेवल सिग्नल। तो ये वाला जो है दोस्तों ये इसमें लगेगा इस तरह से, इसमें मैं अभी लगा दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों अब मैं सप्लाई कनेक्ट करूँगा। ये देखिए ये पॉजिटिव वाला वायर है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव में लगेगा बैटरी वाले टर्मिनल में, और ये निगेटिव वाला दोस्तों निगेटिव में लगेगा। ध्यान रहे उल्टा नहीं लगाना है इसको, इसके ऊपर मार्किंग दिया हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ पे रेड कलर से मार्किंग है, और अगर नहीं भी होता है तो यहाँ पे ये प्लस का सिंबल दिया हुआ रहता है, तो इसको देख के इस तरह से लगा देना है। तो चलिए अब मैं इसको ये पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले में लगाऊंगा।
इसको पूरा फुल टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है। अगर लूज रखते हैं तो ये स्पार्क करेगा, इसलिए इसको पूरा फुल टाइट करना है। तो दोस्तों अभी ये पूरा फुल टाइट हो गया है, उसके बाद निगेटिव वाला मैं टाइट करूंगा। तो अब यहाँ पे ये निगेटिव वाला लगेगा। इसको भी पूरा फुल टाइट करेंगे, लूज नहीं रखना है। तो अभी दोस्तों ये पूरा लग चुका है, यहाँ पे इन्वर्टर और बैटरी। चलिए अब मैं सप्लाई ऑन करते हैं। देखिए सप्लाई ऑन ही है इसका। यहाँ पे देखिए ये लो वाटर जो है इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे यूपीएस ऑन दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं इसको अभी ऑन किया हूँ। ये देखिए इसको ऑफ अगर कर दूंगा तो ये यूपीएस ऑफ हो गया और यहाँ पे लो वाटर दिखाई दे रहा है। दोस्तों अभी इसमें वाटर थोड़ा सा कम है पानी, इसलिए ये जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। इसमें पानी जो है थोड़ा सा ज़्यादा, अभी देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा लेवल डाउन है, ये इसका भी डाउन है और बाकी आगे वहाँ पे ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाद में इसमें मैं पानी डालूंगा तो ये सही हो जाएगा। ये जो है चेक करने के लिए आपको मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए इसको हमने खोल लिया और अभी हम इस लॉक को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए अब मैं इसको इसमें लगा रहा हूँ और अब देखिए यहाँ पे हट गया, पानी के संपर्क में आते ही ये जो है हट जाता है। और अभी मैं इसको ऊपर निकाल लिया हूँ तो ये देखिए यहाँ पे फिर इंडिकेट हो रहा है। जैसे ही मैं नीचे डालूंगा ये देखिए ये हट गया। तो इस तरह से ये काम करता है, जब पानी नीचे जाता है वाटर लेवल यानी कि नीचे जाएगा तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा, ये आपको बताएगा कि पानी डालने का टाइम आ गया है इसमें। तो अब इसको मैं इसमें लगा देता हूँ, पानी थोड़ा सा कम है, बाद में इसमें मैं डालूंगा। तो अभी इन्वर्टर दोस्तों ये पूरा लग चुका है, चलिए अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ वो जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वहाँ पे। बस वहीं पे रुको, वहीं पे इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं ये बोर्ड खोल के आपको कनेक्शन इसका समझा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये देखिए मैं इस तरह से इसमें बनाया हूँ, दो प्लग टॉप लगा के, ये देख लीजिए इस तरह से बनाया गया है। एक को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, देखिए दो दिखाई दे रहा है, एक को मैं लगाऊंगा इन्वर्टर के पीछे जो आउटपुट दे रहा है, उसके बाद दूसरे वाले को दोस्तों मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ये जो ये वाला सॉकेट दिखाई दे रहा है। इससे ये होता है दोस्तों कि कभी भी इन्वर्टर अगर निकालना हो तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद इस प्लग को यहाँ पे लगा के इस तरह से अगर लगा देंगे तो ये सप्लाई जो है दोस्तों बाईपास हो जाएगा, जो भी इन्वर्टर का कनेक्शन रहेगा वो लाइट से चलने लगेगा। फिर इन्वर्टर लगाने के लिए दोस्तों ये वाला निकाल देना है, इसको पीछे लगा देना इस तरह से और इसमें चार्जिंग वाला लग जाएगा। तो अब चलिए इसका कनेक्शन मैं पहले समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको मैं खोल लिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर है दोस्तों, ये मेन सप्लाई वाला है जिसको मैं यहाँ पे सबसे पहले स्विच में दिया हूँ, ये देखिए ये दोनों में, ठीक है। और इंडिकेटर यहाँ पे दिया हूँ ताकि ये दिखाएगा कि इसमें सप्लाई है और सप्लाई अभी कट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन में स्विच में डाला, फिर यहाँ से डिवाइड करके ये मैं सॉकेट में डाला हूँ। ये जो है 16 एम्पीयर का सॉकेट है और इसमें कम से कम 2.5 स्क्वायर एमएम का वायर होना चाहिए चार्जिंग के लिए। और अगर वायर का गेज अगर पतला होगा दोस्तों तब ये चार्जिंग के टाइम ये जो है लोड आएगा इस पर और ये गर्म होगा। तो ये दोनों वायर दोस्तों मेन का हो गया। और साथ ही दोस्तों मैं ये ब्लैक कलर का जो 1 mm का वायर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये अर्थ का वायर है, इसमें अर्थ भी देना कंपलसरी होता है। तो ये तीनों वायर दोस्तों मेरा न्यूट्रल फेज और अर्थ हो गया, ये वाला न्यूट्रल हो गया, ये वाला फेज हो गया और ये अर्थ हो गया, ये चार्जिंग के लिए है तीनों, ठीक है। ये देखिए ये तीनों चार्जिंग का है, यहाँ से जब ऑन करेंगे तो ये चार्जिंग होने लगेगा। उसके बाद एक वायर बच रहा है मेरा, ये 1 mm का है। तो 1 mm का जो है दोस्तों ये इन्वर्टर का वायर है जो आउटपुट सप्लाई देगा इन्वर्टर, ठीक है, वो यहाँ पे कनेक्ट होगा इसमें। यहाँ पे देखिए ये सॉकेट दिया हूँ मैं, सॉकेट में इसको लगाऊंगा मैं प्लग टॉप को, सॉकेट से सप्लाई सबसे पहले यहाँ पे आएगा, इसमें से दोस्तों यहाँ स्विच में आएगा, ठीक है। स्विच से ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ स्विच से ऑन करेंगे तब ये MCB में आएगा, यहाँ पे मिनी MCB में,
फिर जब मिनी एमसीबी को हम ऑन करेंगे तो जो है दोस्तों ये वायर में सप्लाई आएगा और इस वायर के रास्ते पूरे घर में जाएगा। और ये मिनी एमसीबी लगाने से दोस्तों इसका ये फायदा है कि कहीं भी इन्वर्टर वाले पॉइंट में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये मिनी एमसीबी इस तरह से ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टर इंस्टॉल करते टाइम ये एमसीबी होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी लगाना चाहिए इन्वर्टर का एमसीबी। तो दोस्तों अब ये जो प्लग टॉप है इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ये देखिए ये वायर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है तो इसमें मैं कनेक्ट किया हूँ। अब इसको मैं इस तरह से लगा देता हूँ। ये देखिए अब ये लग गया है। अब इस वायर से ये वाला वायर जो है दोस्तों ये अटैच हो गया है। ठीक है, अब चलिए इसको मैं इन्वर्टर में लगाऊंगा। ये देखिए ये इन्वर्टर है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इसमें दोस्तों फेज जो है हमेशा कभी भी राइट साइड में फेज निकलता है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे न्यूट्रल निकलता है। तो ये राइट साइड में फेज निकल रहा है तो इसलिए इसको मैं राइट साइड में डाला हूँ। जब मैं इस तरह से इसमें लगाऊंगा तो देखिए ये राइट साइड में आ रहा है। इसको इस तरह से मैं लगा दिया हूँ और जब मैं ऑन करूंगा तो यहाँ पे सप्लाई आ जाएगा। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी यूपीएस ऑफ है, चलिए इसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे यूपीएस ऑन हो गया है। अभी बाकी का फीचर मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे यूपीएस मैं ऑन कर दिया हूँ और अब जो है सप्लाई दोस्तों मेरा यहाँ पे आ गया होगा। ये देखिए ये पीले वायर से होते हुए यहाँ पे आया है। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा टेस्टर इंडिकेट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ये फेज सप्लाई आ गया है। उसके बाद दोस्तों ये स्विच में आया, स्विच को मैं ऑन किया हूँ। स्विच से ऑन होके दोस्तों अब ये एमसीबी में आया। ये देखिए एमसीबी में भी आ गया। अभी एमसीबी ऑफ है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। चलिए इसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए इसको मैं ऑन कर दिया हूँ और अब ये जो है दोस्तों ये लोड वाले वायर में आ गया। यहाँ पे देखिए हल्का सा इंडिकेट कर रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टर का फेज सप्लाई पहुँच रहा है, न्यूट्रल नहीं पहुँच रहा है। इन्वर्टर के लिए दोस्तों सिर्फ एक ही वायर खींच देना है क्योंकि न्यूट्रल जो है दोस्तों वो यहाँ से मिल जाएगा। चलिए इसका मैं समझाता हूँ न्यूट्रल का रोल कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ये न्यूट्रल दिख रहा है, तो ये जो न्यूट्रल है दोस्तों इस न्यूट्रल के साथ घर की पूरी लाइट जो भी आपका जो भी अप्लायंसेज है वो अटैच होता है जिसका इन्वर्टर से कनेक्शन होता है। तो न्यूट्रल ऑलरेडी पहले से मिल रहा था इसमें और इसमें मैंने इन्वर्टर का फेज दे दिया। ठीक है, लेकिन अब जो है ये इन्वर्टर का न्यूट्रल अभी इसमें नहीं मिल रहा है, अटैच नहीं है क्योंकि, इसलिए कोई भी बल्ब जलेगा नहीं। तो अब क्या करना हमको, इसको इस तरह से इसमें लगाना है। ये देखिए इसको मैं इस तरह से अब लगा दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे ओवरलोड दिखा रहा है। ये देखिए ओवरलोड वाला सिंबल जल गया। यहाँ पे कोई फॉल्ट है उसको मैं सही करूंगा पहले। और अभी दोस्तों ये ओवरलोड दिखा रहा है इसलिए मैं इसको एमसीबी को ट्रिप कर दिया हूँ। ये लगा दिया हूँ, स्विच को ऑन कर दिया हूँ और अभी ये ओवरलोड दिखा रहा था, पता नहीं क्यों, वो मैं चेक करूंगा। तो इसको इस तरह से लगा देना है। अभी बिल्कुल ये मेरा तैयार हो गया है कनेक्शन, इस तरह से होता है। अब मैं ये प्लग टॉप को इसमें लगा दिया हूँ तो ये जो न्यूट्रल है दोस्तों इस इन्वर्टर वाले न्यूट्रल के साथ में अटैच हो गया है। तो अभी चलिए दोस्तों आगे वाला मैं इसका फीचर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेंस ऑन लिखा हुआ है, यानी कि जब इसमें सप्लाई ऑन रहेगा तो ये मेंस ऑन दिखाएगा। उसके बाद अभी यहाँ पे यूपीएस ऑन है तो यहाँ पे यूपीएस ऑन दिख रहा है और जब चार्जिंग होगा दोस्तों तो ये ब्लिंक करेगा। चार्जिंग फुल हो जाएगा तो ये ब्लिंकिंग जो है बंद हो जाएगा। ओवरलोड है दोस्तों तो ओवरलोड में ये दिखाएगा। मैं अभी ओवरलोड दिखा दे रहा हूँ आपको क्योंकि अभी ओवरलोड मोड में ही था ये। इसमें जो है दोस्तों कूलर लगा हुआ था तो इसलिए ये ओवरलोड दिखा रहा था, तो अभी मैं उसको निकाल दिया हूँ तो ये ओवरलोड हट गया है। और ये बैटरी लो का सिंबल है और ये लो वाटर का सिंबल है जो मैं पहले बता चुका हूँ। अगर इस बैटरी का पानी लो हो जाएगा तो ये लो सिंबल जो है इंडिकेट करेगा जो कि अभी कर रहा है। तो अभी बिल्कुल पूरी तरह से लग चुका है ये, इसमें इन्वर्टर का सप्लाई जा रहा है, पूरे घर में फैल गया है, यहाँ पे ऑन है। चलिए मैं किसी चीज़ को ऑन करके दिखाता हूँ, लाइट को या फिर फैन को। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये फैन लगा है और यहाँ पे एक लाइट लगा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं स्विच को इसको ऑन करता हूँ और ये बल्ब देखिए जल गया। उस तरह से दोस्तों ये फैन को ऑन करता हूँ मैं, ये देखिए फैन भी चालू हो गया। पूरा फुल स्पीड में चल रहा है ये देखिए ये इसका स्पीड है दोस्तों, स्टैंडर्ड का फैन है ये। और यहाँ पे ये लाइट जल रहा है और यूपीएस जो है दोस्तों वो ऑन है वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों अब चलिए मैं आपको लोड दिखाता हूँ, इन्वर्टर का जो लोड है दोस्तों इस पर कितना कंजप्शन हो रहा है। तो ये मेरा क्लैंप मीटर है, इसको मैं ये 2 से 20 एम्पीयर पे सेट किया हूँ।
एम्पियर चेक करने के लिए इस तरह से इसमें लगाना है, ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, ये देखिए इसको मैं इसमें लगा दिया इस तरह से, और अभी जो है दोस्तों ये दिखा रहा है 1.8 एम्पियर। ठीक है, इस पर कोई भी लोड नहीं है, कोई भी लाइट नहीं जल रहा है, ना ही कोई फैन जल रहा है, तो भी ये दोस्तों 1.7 एम्पियर दिखा रहा है, ये 1.2 एम्पियर के करीब में। ये वो इसलिए दिखा रहा है दोस्तों क्योंकि ये वायर फैला हुआ है, तो वायर में करंट दौड़ रहा है, इसलिए इतना दिखा रहा है। तो अब चलिए मैं बारी बारी से एक एक फैन और लाइट को ऑन करूंगा, उसके बाद मैं ये इसका पावर कंजप्शन दिखाऊंगा। देखिए अभी जैसे जैसे एक एक फैन ऑन होगा तो लोड इसका बढ़ेगा धीरे धीरे। ये देखिए अभी 2.11 एम्पियर हो गया, अभी ये एक फैन और एक लाइट ऑन हुआ है, उसके बाद देखिए अभी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, जैसे जैसे लाइट और फैन चालू हो रहा है तो लोड बढ़ रहा है। अभी देखिए ये 6 एम्पियर के करीब में आ रहा है लोड इसका, तो देखिए अब 10 एम्पियर हो गया, अभी देखिए ये 13 एम्पियर हो गया है, अब देखिए दोस्तों ये ओएल दिखाया था यानी कि ओवरलोड। ठीक है, तो अब जो है इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ये 400 एम्पियर पे, ये देखिए अब ये टोटल लोड जो है दोस्तों 23.7 एम्पियर दिखा रहा है, यानी कि टोटल 24 एम्पियर लोड लेके ये चल रहा है, पावर कंजप्शन जो है दोस्तों बैटरी का ये 24 एम्पियर हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये बैटरी का पावर कंजप्शन चेक किया जाता है। चलिए अब मैं इसको नेगेटिव वाले टर्मिनल में लगाता हूँ, तो नेगेटिव वाले में भी इतना ही दिखाएगा ये, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव वाला वायर इधर है, वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मैं लगाता हूँ, ये देखिए मैं वहाँ लगा दिया हूँ। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों इसका जो पावर कंजप्शन है वो 25.8 एम्पियर दिखा रहा है, उसी के आसपास में दिखा रहा है पॉजिटिव वाले के, ये भी नेगेटिव वाला भी, और यहाँ पे पॉजिटिव वाले में ये देखिए यहाँ भी उतना ही दिखाएगा, ये देखिए यहाँ पे 25.7 एम्पियर दिखा रहा है ये। तो इस तरह से दोस्तों बैटरी का लोड चेक किया जाता है कि बैटरी के ऊपर कितना लोड आ रहा है, जैसे जैसे मैं फैन को ऑन किया हूँ वैसे वैसे इसका लोड बढ़ता गया है, और फिर मैं इसको धीरे धीरे बंद करता हूँ तो लोड इसका जीरो हो जाएगा। बंद करो सुनील। देखिए इसका लोड कम हो रहा है धीरे धीरे, देखिए अभी ये 6 एम्पियर हो गया है, और अब देखिए ये पूरा एकदम कम हो गया है। अब इसको मैं इस पर कर देता हूँ, ये देखिए टोटल लोड स्टार्टिंग में जितना था उतने पे ये आ गया है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि वायर में करंट दौड़ रहा है, और उसके बाद दोस्तों ये जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर बैटरी में कनेक्ट है तो इन्वर्टर इतना कंजप्शन ले रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों थोड़ा टाइम तक वेट करने के बाद अभी सप्लाई यहाँ पे आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे ये इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे ये जो इन्वर्टर दिखाई दे रहा है इसमें लिखा हुआ है मेंस ऑन, ठीक है, और उसके बाद चार्जिंग लिखा हुआ है, और ये यूपीएस ऑन जो है दोस्तों अभी नहीं दिखा रहा है, जबकि यहाँ से यूपीएस ही ऑन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये यूपीएस ऑन है लेकिन ये दिखा नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ऑटोमेटिक रिले से बाईपास हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये यूपीएस ऑन नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही पावर ऑफ होगा दोस्तों तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा और ये यूपीएस ऑन वाला इंडिकेटर इंडिकेट करेगा। तो दोस्तों ये इन्वर्टर इंस्टॉलेशन का वीडियो पूरा हुआ, हमें उम्मीद है जो मैं बताया हूँ सब कुछ समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। और दोस्तों आप लोग अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके पेज पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।